हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक ठाक होंगे। नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज का व्लॉग थोड़ा डिफरेंट होने जा रहा है। ये एक रिएक्शन व्लॉग है, एक प्रॉपर रिएक्शन व्लॉग है, जो पंजाबी यूरो टीवी की एक वीडियो देसी हकीम साहब के ऊपर है। सबसे पहले मैं आली शेर भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे अपने चैनल की वीडियो के ऊपर रिएक्शन देने की इजाज़त दी। सबसे गुजारिश है कि इनके चैनल को सब्सक्राइब करें। ही इज़ अ रियली नाइस गाय, बड़ा अच्छा कंटेंट बनाते हैं, मजा आ जाता है इनकी वीडियोस देखने का। चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देते हैं इसके ऊपर रिएक्शन। बाकी जरा सिस्टम बिल्कुल नबज ठीक है, लेकिन इन्हों का मेदा जरा थोड़ी जी बदलम पैदा करता, जिदी वजह ना इन्हों के जिस्म दे विच चर्बी पैदा होंदी है। ते तुसी हुण इत्थे जंगलां च खुद भी कदी गए हो जड़ी बूटियां लभण, और इत्थे तुहानू हर किस्म दी जड़ी बूटी लभी है? जी, जिहड़ा पहला साल मेरा गुजरिया वह जंगलों के विच ही गुजरिया। अच्छा। लेकिन हुण मेरे को इन्ना टाइम नहीं हुंदा मैं जंगल च जा सकां। भाई जी पता की चीज़ है, इन्हों की इत्थे दी खुराक की निस्बत बिल्कुल इन्हों का निज़ाम मेदे का ठीक चल रहा, लेकिन इन्हों फिलहाल गर्मी है। इन्हों पुछ लो कि जो ये थोड़ा जहा चलते ने इन्हों जिसम जरा थकावट महसूस करता या नहीं करता? हाथ भी छाड़ दो, तुसी बंदे दा हाथ फाड़ दो, एक मिनट लेडी दा हाथ फाड़ दो, तुसी पांच मिनट। मर्दाना कुवत दा जड़ा मसला चार हफ्ते दा कोरस है, हफ्ते हफ्ते दी करके दवाई दिना, कठी दवाई नहीं दिंदा। जे कोई दूर भरा होवे तो उन्हूं कठी दवाई भेज दिना। इहदे नाल नाल किसे भरा दे वाल किरदे होण, वाल झड़दे होण या सफेद वाल होण, राबता कर सकदा। तुहाडी उम्र की? मेरी उम्र 27 साल। मेरी उम्र 27 साल। 27 साल उम्र ते तुहाडे अपने सारे चिट्टे ने हकीम साहब? मेरे चार पांच वाल चिट्टे हैगे ने, लेकिन मैं इंतजार कर रहा सारे चिट्टे हो जाण ना, फिर दवाई खावांगा तो फिर दुनिया यूरो लैके बहुत ही आएगी। कि खाना जड़ा ना दो टाइम खान तो ये फिट ने, जो रोटी लेट करनगे तो फिर मसला है। तुसी किन्ने टाइम खाते? असी अलहमदुलिल्लाह 3-4 बारी खाई दी। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मन, पोलैंड, डेनमार्क, ए उन्होंने मुल्कों के नाम लेना जिन्हों च दवाई मैं भेज चुका। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा जी, ये देसी हकीम साहब हैं। ये पाकिस्तान के किसी गांव के एरिए से यूरोप में पहुंच चुके हैं। इन्होंने मुल्कों के नाम भी गिनवा दिए हैं जिधर जिधर इनकी देसी दवाइयां जाती हैं। वो कहते हैं ना कि हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी ली, हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी सुधी को नहीं ली, अंग्रेज़ साढ़े ही हरकत तो तंग आ गए टुर गए सन छड़ के, पर असा भी उन्होंने जान नहीं छड़ी, पिछे पिछे पहुँच गए हैं उत्थे यूरोप। अब लम्हा फिक्रिया तो गोरों के लिए है कि हमारे देसी हकीम उनके मुल्कों में आके बैठ गए हैं। देखते हैं आगे। मेरा नाम अली शेर और आप देख रहे हैं पंजाब यूरो टीवी। एक मुनफरिद वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। ये जो शख्सियत कैमरे में आप मेरे साथ देख रहे हैं, ये हैं हकीम अज़र महमूद साहब। यहाँ पे इनका बहुत चर्चा है यूनान में, तो ये पाकिस्तान से यूनान आए और यहाँ आके भी ये हिकमत इन्होंने शुरू की हुई है, और बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी लोग जो हैं वो इन्हें पसंद करते हैं, इनके पास जाते हैं। पाकिस्तान तो हम देखते हैं कि जगह जगह लिखा होता है यूनानी दवाखाना, तो ये यूनान खुद चल के आ गए हैं। तो हम इनका एक्सपीरियंस आपको सुनाते हैं कि यहाँ पे हिकमत को लेके इनके पास ज़्यादातर किस कम्युनिटी के लोग आते हैं, और ओवरऑल यकीन ये बड़ी मज़ेदार वीडियो होगी। हमारे साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया तुसा टाइम दिता है। सब तो पहले दसो पाकिस्तान केड़ा इलाका था? पाकिस्तान इलाका जिला बावल नगर, तहसील फोटा बस। क्या बात। और कितनी देर हो गई है यूनान रहंदे? 2 साल हो गए जी। 2 साल तो मैं थे, पहले तो 1 साल जिस तरह हर इंसान नु इत्थे ठेकेदारां कोल अगे पिछे पी कटनी पैंदी है, मैं बजाते खुद कटी है, टाइम गुजारिया है। उस तो बाद मैनू अल्लाह पाक ने फन दिता, मैं अपने उस्तादां कोलों हुनर सीख के आया, अपना तजर्बा सी, मैं अपना हिकमत का काम शुरू किया, मैं अपनी हिकमत कर रहा। साढ़े को हिकमत जिहड़ी आ असी सीखी है, उस्तादां कोलों सीखी है, दादे उस्ताद कोलों सीखी है, मेहनत की है। खानदानी नहीं, वालद हकीम नहीं, अलहमदुलिल्लाह उस्ताद हकीम आ, उस्ताद दा उस्ताद हकीम आ, उन्हां दे उस्ताद भी हकीम सी। अज मैं 4थी पीढ़ी दे विच अपने उस्तादां वालों हिकमत करदा बैठा। अलहमदुलिल्लाह अल्लाह दा शुक्र आ, मैं इत्थे यूनान दे विच हिकमत कर रहा, तो यूनान च हिकमत करन दा मैनूं इक बड़ा मज़ा आया। उहदी वजह कि ए वो शहर है, ए वो मुल्क है जिथे बूटियां लकमान हकीम नूं बोल के दसदियां सी कि असी इस मर्ज की शफा वा सानू उठा ला। लकमान हकीम हिकमत दे बादशाह सी, हिकमत दे सिकंदर सी। कुरान दे विच अल्लाह पाक ने लकमान हकीम दा जिक्र फरमाया है। अच्छा, ये वो वाले हकीम है जिनके बारे में कहा जाता है नीम हकीम हतरा जान। दूसरा लुकमान अलैहिस्सलाम के बारे में इनको बात कर रहा है। लुकमान अलैहिस्सलाम को इन्होंने जनाब यूनान का सिटीजन बना दिया है।
अपनी इनकी पीआर का तो पता नहीं है यूनान की है कि नहीं है, लेकिन उनको इन्होंने यूनानी बना दिया पक्का, हालांकि वो यहाँ के थे नहीं। चले आगे देखते हैं। जब मैं इत्थे आया जेड़ियां मर्जां दा इलाज मैं पाकिस्तान नहीं कर सकिया क्योंकि वो बूटियां नहीं मिल सकियां, वो बूटियां इत्थों मिलियां, उन्हां दा ऐसा इलाज ऐसा जबरदस्त रिजल्ट आया कि बाजों का दफा खुद दी हैरत गुम हो जाती है क्योंकि चीज़ यह है कि मेरे अंदर हिकमत है, लेकिन इत्थे दियां जेड़ियां बूटियां ने लकमान हकीम दे मुल्क दियां शहर दियां उन्हां बूटियां च बेबा ताकत है, और यह जिहड़े गरीके लोग ने ये बूटियां अपने खाने दे विच इस्तेमाल करते हैं। असी जिहड़े गैर मुल्की इंडियन बंगलादेश पाकिस्तान अफगानिस्तान किसी भी जगह तो आए हुए सानू बहुत सारिया प्रॉब्लम पैदा इस वजह तो होंदियां कि असी इत्थे दियां बूटियां इस्तेमाल नहीं करते, फिर इत्थे दे मौसम नाल साडा जिस्म साडी खुराक कंटिन्यू नहीं करती, इस करके फिर सानू प्रॉब्लम पैदा होंदी है। बाद का दफ़ा मैं अपनी वीडियो कई दफ़ा कह चुका साडे जिहड़े परदेसी भरा ने इन्हां दा निज़ाम हैगा 24 घंटे च एक दफ़ा खाना, बाकी कम कम कम, लेकिन अपने मुल्क ते कोठी बन जाती है तो इत्थे इन्हां गरीबां दा अपना ढांचा भी विगड़ जाता है। सालों साल इत्थे आए हुए जिहड़े दोस्त मिले ने छोटे छोटे मसले ने, लेकिन उन्हां नूं ना किसी बंदे ने गाइड किया, ना उन्हां नूं किसी ने दस्या, ते ना उन्हां भरावां नूं इस चीज़ का इलाज ही करवा सके। तुसीं माशाल्लाह आप कुछ ज़्यादा स्लिम स्मार्ट हो, ते ओह जड़ी बूटियां दा असर तुहाडे ते नहीं होया? जड़ी बूटियां दा असर मेरे ते बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं अपने आप नूं ज़्यादा असर तो महरूम इस तो हाँ कि मेरे ज़हन च 24 घंटे एक सोच है, एक फिकर आ, सोच है एक फिकर आ कि कोई भी भरा आउंदा उन्हूं कोई भी मसला है उहदे वास्ते सोचना सोचदिआं रहना, ठीक है, तो सोच एक ऐसी चीज़ है कि जिहदे नाल इंसान ज़्यादा फुल नहीं सकता। साहब ये भी दस दो कि जड़ी बूटियां लभण वास्ते किहड़े जंगलां च जांदे? जड़ी बूटियां लभण वास्ते बहुत सारे इलाकियां दे विच मैं काम करके आया होया, गिण के भी दस सकदा, वारदा मनुलादा पारता उस तो बाद मिसलोकी न्यू खोरी इन्हां इलाकियां च मैं काम किया होया, पीरगोस आरगोस उत्थे पीरगोस आरगोस हजरत गौस पता नहीं केड़े केड़े नाम बना लेने चौधरी ने आप ही। बड़े सारे ऐसे दोस्त ने जिन्हां कोल जिन्हों कितने टाइम मिले जा हुंदा, नहीं तो ना भी जा होवे तो उन्हां नूं मैं दसदा हुंदा कि यार आ तस्वीर दी आ चीज़ हैगी वो आम आ, तो उन्हां नूं इह गल नहीं पता हुंदा कम किन्ना करदी, लेकिन वो मेरे वास्ते पट के लै आउंदे आ, मैं उन्हां दा दिलों शुक्रगुजार हाँ जिहड़े भरा मैनूं बूटियां लियाउण दे विच सपोर्ट करदे ने। ते तुसीं हुण इत्थे जंगलों खुद भी कभी गए हो जड़ी बूटियां लभण और इत्थे तुहानूं हर किस्म दी जड़ी बूटी लभी है? जी जिहड़ा पहला साल मेरा गुजरिया वह जंगलों दे विच ही गुजरिया, खेतीबाड़ी दे काम दे विच अलग-अलग अलग-अलग शहरां दे विच। अच्छा ये ये कीम साहब जिस तरह कैमरे नूं वेख रहे ने ना इंज करके उत्थों जंगल दा जिक्र आया ते जंगल दे जिक्र दे नाल ना मैनूं याद आ गया एक कीम साहब वो वाले कीम साहब ने कि जांदे ना हन कीम साहब किते ते अगों जिहड़ा ना कोबरा सप निकल आया ते कोबरा सप नूं आंदे ने ओह तो मैनूं वड्डन लगा ते कोबरा सप कहिंदा नहीं मुर्शिद मैं ते रीफिल कराउण आया ज़हर तुहाडे कोलों। अलग अलग इलाकों के विच उहदे विच बूटियां बहुत सारिया मिलिया ने, लेकिन हुण मेरे को इन्ना टाइम नहीं हुंदा मैं जंगल च जा सकां, हुण तो जे कोई भरा मैनूं कहिंदा ना किसी जगह ते आउणा तो उहदे कोलों माजरत ही करनी पैंदी है क्योंकि मेरे को घर इन्ने क ज़्यादा भरा आउंदे ने कि एक दिन की एक घंटा भी नहीं घरों किसी बंदे निकल आउंदा। इन्नी बीमार कौम है साडी यानी कि हर बंदे नूं मसला की मसला इत्थे ज़्यादातर? कौम बीमार नहीं है, कौम अलहमदुल्ला साडी सेहतमंद आ, लेकिन मसला ये आ गया कि सानू बंदा इत्थे करोड़ आ उन्हां दी जबान समझण वाला उन्हां दा इलाज करन वाला बंदा कोई नहीं, ठीक, वह करोड़ बंदे चों फर्ज करो 100 भी बीमार आ तगर इलाज करन वाला एक आ उहदे वास्ते ज़्यादा हो जांदे आ। साडे मुल्क दे विच हर शहर दे विच 10 दवाखाने ने, उत्थे जे 100 बंदा बीमार आ ते 10 नूं 10-10 होणगे, लेकिन सानू इत्थे यूरोप यूनियन दे नहीं कि इत्थे ही ए मेरे कोल पेपर पए ने अगले मुल्कां दे विच ऐसियां चीज़ां जिहड़ियां इन्हां कोल डाकखाने लै के जाना ते ये नहीं पार्सल करदे क्योंकि घरों खड़ के करनी पैंदी, आयल वगैरह हुंदा तो घरों ही करके ते डाकखाने ACS दे दफ्तरे दिंदा। अगले जिहड़े यूरोप यूनियन दे जिहड़े मुल्क ने इटली स्पेन फ्रांस जर्मन पोलैंड डेनमार्क ए उहनां मुल्कां दे नां लैंदा जिन्हां च दवाई मैं भेज चुका, किसी भी भरा नूं मसला होवे फोन ते मशवरा करदा, नंबर मेरा हर वीडियो च मिल जांदा,
फिर ओदे मशवरे ते पूरी सोच विचार करके दो दिन लगन, दस दिन लगन, ओनू दवाई बना के मैं उत्थे पार्सल कर दिना, क्योंकि वह भी नहीं आ सकता तो मैं भी नहीं जा सकता। यानी कि तुसी माशाल्लाह हुण इंटरनेशनल हकीम हो, तुसी ये दस दियो कि पाकिस्तान वेखो ना जगह जगह तलीचा हुंदा है यूनानी दवाखाना, यूनानी दवाखाना, तुसी हुण इत्थे आ गए हो कि पाकिस्तान हिकमत दा काम नहीं सी चलिया। पाकिस्तान साडा काम ते बड़ा सी, लेकिन गल ये आ कि कहिंदा कौन किसे को लियांदा, किस्मत लियांदी टोर, जिथे किसे दा दाणा पाणी लिखिया होवे हथ कादर दे डोर। मैनू आउण तो पहले पता ही नहीं सी मैं यूनान च मेरा रिजक आ, लेकिन पता उदों लगा जदों मैं तुर्की एंटर हो गया होया सी, क्योंकि पता डेंकी भी नहीं सी सुनिया होया मेरा इलाका। ने कीम साहब ने काम शाम बड़े किए सन पाकिस्तान, ट्राइया बड़िया मारिया सन, चलिया को नहीं सी। कीम साहब ने ना मिट्टी का तेल भी वेखिया वेचिया खोती के उत्ते, खोती तो तेल लैके जाते हैं, बंदा पुछता है कीम साहब ये तेल असली है कि नकली, उन्होंने आंदा ने चेक कर लिया बाल के, उन्हें तीली बाली खोता उधर, ड्रम उधर, तो कीम साहब जेडे बाकी बचे हो इधर। जिला भावन नगर तहसील फोटा बास, जिथों कह लो कि लखां दी तादाद च आवाम होणगे तो इधर शायद 10 या 20 जी होणगे। अच्छा तुसीं इह दस्सिओ कि कि बीमारी का इलाज कर लेंगे जी? मोहतरम सब तो पहले तो मैं एक चीज़ का इलाज दसना चाहवागा जिहड़ा इत्थे दे डाक्टर नहीं करते, पूरी दुनिया के डाक्टर नहीं करते। किसी भी बंदे दे पित्ते च पत्थरी होवे डाक्टर पित्ता कट के बाहर रख देंदे ने। अलहमदुलिल्लाह मैं पित्ते दी पत्थरी दी दवाई दिना, मेरे मालक दी करम ना पित्ते दी पत्थरी निकल जांदी है। उस तो अलावा किसी भरा नूं बवासीर होवे बवासीर दी दवाई मिल जांदी, किसी दे गुरदे च पत्थरी होवे ते 3 घंटे दा टाइम आ, 3 पुड़ियां ने, मेरे अल्लाह दे करम ना 3 घंटिया च गुरदे दी पत्थरी निकल जांदी है। गुरदा गुरदा तो नहीं निकलता, सिर्फ पत्थरी निकलती है? नहीं जनाब, गुरदा नहीं निकलता, सिर्फ पत्थरी निकलती है। इत्थे यूनान दे विच बहुत दोस्त जमा चुके ने जिन्होंने पत्थरी निकली दियां तस्वीरां भी घलियां मैनू, कि यार आ पत्थरी निकली है। साढ़े को ज्यादा जिहड़े गाहक ने हुण तो तकरीबन 3 कम्युनिटियां बराबर ही हो गई, बंगलादेश, इंडिया के मित्र भरा आउंदे ने बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तानी। इन्हां नूं की ज्यादा बीमारी? इन्हां नूं ज्यादातर प्रॉब्लम बन रही है कबज बवासीर, उस तो अलावा होर भी बीमारियां ने, किसी के गुरदे च पत्थरी, किसी के पित्ते च पत्थरी, कोई मरदाना हवाले दे नाल प्रॉब्लम आ, क्योंकि ज़्यादातर एक टाइम खाना खा के जदों दूए दिन फिर एक टाइम खाना, उहदे नाल इंसान नूं कब्ज बहुत ज़्यादा हुंदी है, तो कब्ज नाल बहुत सारियां बीमारियां जन्म लैंदियां ने। अच्छा कीम साहब दे ना हिकमत तो अलावा भी इन्हां दे कोल बड़े स्किल्स हैगियां ने, बड़े बड़े इन्हां दे कोल हुनर ने, वह हुनर दे विचों एक होर हुनर जिहड़ा इन्हां दे कोल है वह गाउण वजाउण दा। कीम साहब के नाल मुलाकात हो गई तो कीम साहब आंदे ने यार मैं गांदा बड़ा वधिया, मेरी केसट ही कढ़ा दे। मैं कहा यार केसट कढ़ाने के पैसे तो नहीं मेरे को है तेरा, उंज कितने स्टेज स्टूज ते तेरा गाना करा दें। कीम साहब ने चाढ़ दिता स्टेज के उत्ते, कीम साहब ने फिर को एडा गंदा गाना गाया, एडा गंदा गाना गाया, एक बंदा छुरी कढ़ के खलो गया, कीम बेचारा डर गया, डर के तो चुप करके खलो गया। और बंदा आंदा कीम साहब तुसीं ते गाओ गाओ, मैं उस बंदे नूं पता पता जिहड़ा तुहानूं लैके आया है। बड़े सारे हकीमां कोलों तुसी सुनिया होना कि कब्ज़ बत्तरां बीमारियां दी मां है, ते मैं अज तुहानूं एक लफज अजाफी दसन लगा, इस लफज़ नूं गौर नाल सुन लो कि कब्ज़ बत्तरां बीमारियां दी मां वा तां मेदा बत्तरां बीमारियां दा प्यो है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। जिस बंदे दा मेदा गजा सही हजम करदा ना उहनूं कब्ज़ हुंदी नहीं जी। भाई जी पता की चीज़ है, इन्हां दी इत्थे दी खुराक दी निस्बत बिल्कुल इन्हां दा निज़ाम मेदे दा ठीक चल रहा, लेकिन इन्हां नूं फिलहाल गर्मी है। इन्हां नूं पुछ लो कि जदों ये थोड़ा जिहा चलदे ने इन्हां नूं जिसम जिहड़ा थकावट महसूस करदा या नहीं करदा? नहीं, वो कह रही है कि मैनू बिल्कुल थकावट नहीं हुई। थकावट नहीं होंगी, यानी कि इन्हों का जो निज़ाम है शुरू तो ही सारे जी काम करते हैं, इस करके इन्हों की रूटीन बनी है, इन्हों थकावट नहीं होंगी जी। इन्हों का जो मेदे का निज़ाम है ना वो बिल्कुल ठीक है, तो इन्हों की खून की जी गर्मी है, बाकी इन्हों का मसला कोई नहीं, क्योंकि जिसम के लिहाज
या चलन फिरन के लिहाज नाल ये वर्क करते रहिंदे ने। जदों बंदा को कम नहीं ना करता तो कुछ देर बाद करता उन्हूं मसला बनता, या जिहड़ा बंदा मौसम के लिहाज नाल खुराक तब्दील नहीं करता उहदे वास्ते मसला बनता। हाथ भी छाड़ दो तुसी बंदे दा हाथ फाड़ दो, एक मिनट लेडी दा हाथ फाड़ दो तुसी, पांच मिनट। अच्छा तुसी मैनूं दसो की वजह सी इन्ना चिर लम्मा तुसी हाथ फड़ी रखिया? भाई जी पता है कि चीज़ आ, कोई भी जी है ना उहदी नब्ज़ जदों फड़ांगे ना तो जदों उहदे खून का सर्कल देखना ना तो उह किन्ने मिनट, एक मिनट च किन्नी दफा धड़कदा है उहदा, जिन्नी दफा दिल धड़कदा उन्नी दफा उहदी नब्ज़ दसदी है, उहदी फिर गिनती भी हुंदी दिमाग दे विच, इस करके ज्यादा टाइम तक नब्ज़ फड़नी पैंदी है। मेरे हरी तो तुसां सिर्फ 20 सेकंड ही फड़ी जांदे, हरी तुसां 2 मिनट नब्ज़ फड़ी रखी है। ਤੁਹਾਡੀ ਨਬਜ਼ ਧੜਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਸੇ ਨਬਜ਼ ਹੀ ਰੁਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤਾ ਟਾਇਰ ਨਬਜ਼ ਫੜਿਆ ਖਤਰਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਭਾਈ ਇਹ ਲੰਮਾ ਹੋ ਜਾਏ। जी ये जो लड़की आप देख रहे हैं जिस रेस्टोरेंट पे हम बैठे हैं ये यहाँ पे जॉब करती हैं, तो हमने सोचा कि हकीम साहब यहाँ पे इनका फ़ायदा उठाते हुए इनका हाथ भी दिखा ले। चलें जी बिस्मिल्लाह करें जी। मोहतरम इन्हों का बाकी जोड़ा सिस्टम बिल्कुल नबज़ ठीक है, लेकिन इन्हों का मेदा जोड़ा थोड़ी जी बगलम पैदा करता जिसकी वजह ना इन्होंने जिसम के चर्बी पैदा होंगी है। वो कह रही नहीं ऐसा कोई मैं मसला नहीं। अच्छा दूजी बारी फेल हो गया जी। अच्छा वैसे चीज यह कि इन्हों का जो मसला नहीं ना तो इन्हों का मसला तो है, लेकिन हूँ मैनू इन्हों की तर्जमानी नहीं पूरी आँगी, नहीं तो इन्होंने मैं पूछा इन्हों का मसला किदा है तो यह की कहेंगे ने मैनू समझ नहीं आती। चीज़ यह कि जदों बंदे नूं समझ ना ना आवे उदों उहदा पता नहीं लगदा। तुहानूं आ के हाथ छड्ड दिया करो तुसीं, कुड़ियां दे हाथ ही नहीं कि हाथ छड्ड दे। तो जिन लोगों ने इनसे मशवरा करना हो, दवाई लेनी हो, हकीम साहब अपना नंबर बोल के बता दें व्हाट्सएप लोग फिर आप। चलें जी जोक सपोर्ट नंबर उन्होंने डिस्प्ले करना तो मैं ज़रा इस वजह से वो नहीं यहाँ पे उसको रोक दिया। खैर वीडियो बड़ी मज़ेदार थी अली भाई की। बाकी हकीम साहब जो हैं बड़े जॉली किस्म के बंदे हैं। बस एक चीज़ ऐड करता जाऊं, हिकमत होती है, लेकिन मसला सिर्फ ये है कि सर्टिफाइड हकीम जो होते हैं वो आजकल के दौर में ढूंढना बड़ा मुश्किल बात है। ऐरे गहरे नत्थू गहरे होते हैं, उनकी पुड़ियां खा के मतलब बजाय इसके क्योंकि शिफा हो नुकसान भी हो सकता है। मर्ज़ी आप लोगों की अपनी है, जो किसी की चॉइस हो। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह बहुत जल्द नए व्लॉग के साथ मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।